नमस्कार, मैं मुकेश दक्ष और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायत और नगर निकाय और विधानसभा चुनाव को अगले वर्ष तक स्थगित किए जाने के अटकलों के बीच जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर एक मीटिंग करने वाले हैं। यह बैठक आज यानी कि 3 अक्टूबर को जम्मू में होगी। फारूक इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए सभी प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेज दिया गया है। विपक्ष के लिए यह बैठक स्थानीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर सभी दलों के नेता बैठकर विचार और विमर्श करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोगों में एक मायूसी है। लोगों का मौजूदा निराशा के दौर से बाहर निकालने के लिए सभी दलों के नेता सर्वसम्मत से कोई समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तारिगामी ने बताया कि बैठक फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके निवास पर ही होगी और बैठक में गुलाम नबी आजाद की DPAP पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और JKP को नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग लगातार विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह चुनाव किसी न किसी बहाने से लगातार टाले जा रहे हैं। अब सुनने में ये आया है कि यहाँ नगर निकायों और पंचायतों को चुनाव को भी टालने की तैयारी हो चुकी है। इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़, 24x7। धन्यवाद।